देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। संभल का एक ऐसा क्षेत्र जहां लोगों को अपनी जरूरतों का सामान लेने जाने के लिए जल मार्ग ही पर्याप्त है। यहां उनकी बदकिस्मती समझिए या समय की चाल आपको बता देगी। थाना गन्नौर के गंगा के पास का क्षेत्र जल से घिरा हुआ है, जहां पर आवागमन के लिए सिर्फ जल मार्ग ही पर्याप्त है। जहां उन्हें अपनी जान की बाजी चुका करके नाव के द्वारा आवागमन करना पड़ता है। इसी के चलते आज एक नाव से 18 लोग दो बाइक लेकर के गंगा के उस पार जा रहे थे, तभी ओवरलोडिंग होने की वजह से नाव पलट गई और अचानक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 18 लोग सहित जलमग्न हो गए। हालांकि गोताखोरों की मदद से 16 लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन दो लोग जिसमें एक बच्चा तथा एक युवक की मौत हो गई। दोनों की तलाश जारी है। आप अकेले थे? नहीं, तीन लोग थे हम। आप कौन कौन है? गंगा में कौन कौन रह गया है अभी? गंगा में कोई नहीं रहा, तीनों निकल आए। बाइक रह गई हमारी। आपकी बाइक रह गई? हाँ। बाइक के इंतजार में है? हाँ, बाइक के। और यहाँ कोई गोताखोर नहीं है जो निकाल नहीं रहा? नहीं, गोताखोर आए थे और चले गए। आके चले गए? हाँ। तो फिर क्या इंतजार कर रहे हैं आप? ये इंतजार है कि बाइक निकल आए? हाँ, ये इंतजार कर रहे हैं बाइक निकल आए। कै बजे गए गोताखोर? अब गोताखोर अभी भी आए थे और अभी आके चले गए। वो देखा उन्होंने, चले गए। क्या कर रहे हैं? अभी खड़े हैं। वो खड़े हैं, अभी खड़े होंगे यहाँ पर। आए हैं आप? हमारे रिश्तेदार है, वे हमारे घर से ही आए। हाँ हाँ, तो डूब गए हैं वो? हाँ, एक जने बच गए, एक जने डूब गए। कौन है वो डूबे हुए जो रह गए? क्या नाम है उनका? एक जने डूबे गए। हाँ, जो नहीं निकले हैं उनका नाम बताओ। मोक नाम है। मोक। उम्र क्या होगी इनकी? उम्र हुई ऐसी 20-25 साल। ये कहाँ के थे, कहाँ जा रहे थे? जी वहाँ जा रहे दादा थे। दादों के? हाँ। आपके कौन है? हमारे रिश्तेदार हैं। आप लोग नाव में यहाँ गंगा जी में डूब गए थे? कहाँ के हैं आप? क्या नाम है आपका? लाल सिंह नाम है। लाल सिंह, तो कई लोग थे परिवार के? आप कई लोग हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे थे? सोन से बारस से आए हैं। सोन से बारस से। कहाँ पर है ये? यही पड़ती है, धोरे के बराबर। धोरे के बराबर में। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? गाँव में, बगिया नगरा। अपने गाँव बगिया नगरा। बगिया नगरा जा रहे थे? तो कई लोग डूबे हैं आप? हमारा तो एक लड़का डूबा है बस, अभी निकला नहीं है। क्या नाम है उनका? अमित नाम है उसका। अमित, उम्र क्या होगी? 2 साल। तो यहाँ गोताखोर कर रहे हैं तलाश? कोई ना है। कोई ना यहाँ पे तभी? कोई नहीं है, कोई आए नहीं है। आए थे, 2-4 गोते लगा के चले गए आके वापस। सर, ये इस घाट पर नाव डूबी है, क्या मामला है? ये सांकरा पुल जो बन रहा है, इससे करीब 500 मीटर पश्चिम की तरफ नाव से लोग जा रहे थे गाँव वाले। ये इनका रूटीन का काम है, दूसरे काम से गंगा के पार जाना पड़ता है इन लोगों को, तो नाव में बैठ के चले जाते हैं। नाव में ऐसा लगता है कि उन्होंने ज़्यादा आदमी बैठा लिए थे, 18 आदमी बैठे थे और 3 बाइक भी थी उसमें जी। जैसे ही नाव चली करीब 15-20 मीटर, नाव पलट गई जी। सर, इसमें एक आध लोग इसमें डूबा, इसकी कोई मौत? हाँ, दो आदमी, मतलब एक बच्चा है 2 साल का और एक 18 साल का युवक है, वो डूब गए हैं। उनकी डेड बॉडी की तलाश कराई जा रही है। गोताखोर लगाए हुए हैं और 16 व्यक्तियों को बचा लिया गया है। उनकी हालत कैसी है सर? उनकी हालत ठीक है, लेकिन घायल हैं, उनको बदायूं अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। ये जो सांकरा घाट है, जहां पर आप खड़े हैं, सपा के नेता हैं आप, कट्टर समाजवादी माने जाते हैं, तो यहां पर जो है एक नाव डूबने का जो मामला है, क्या है ये मामला? पूरा संज्ञान में है आपके कुछ? नाव जो डूबी है ये प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि ये पहले जिला पंचायत से घाट का ठेका हुआ करता था। अब ये नाव जो है लोग अपने मर्जी से ही चला रहे थे, किसी का कोई मतलब सरकार की तरफ से इसमें कोई भी सुविधा की बात नहीं है, लेकिन यह है कि इस तरह से अवैध नाव का संचालन घाटों पर नहीं होना चाहिए। कितने लोगों की डूबने की जो है सूचना है विधायक जी? पहले 18 डूबे थे, 2 मोटरसाइकिल डूबी हैं, तीन मोटरसाइकिल डूबी हैं, दो लोग उसमें अभी लापता है। तो कोई मरने की भी सूचना है क्या? दो लोगों के लापता है, पता नहीं है। दो लोग लापरवाह हैं, लापता है जी। नहीं मिली है। तो विधायक जी, ये बताया जा रहा है कि जो है ये जो खनन का जो काम हो रहा है यहाँ पे, खनन जिस होता है, खनन की वजह से गड्ढे हो गए हैं, खनन की वजह से जो खनन वालों ने जो बांध बना रखा है, अवैध बांध बना रखा है, इसलिए इधर जो है पानी का भाव, पानी का जो गहरा पानी हो गया, इसकी वजह से पहले पानी नहीं था यहाँ पर, इसकी वजह से लोगों से नाव से जाना पड़ता है, क्योंकि गांव के गरीब लोग हैं, समस्तपुर की आधी आबादी सांकरा के पास में रहती है, उनकी खेती है, तो अपनी खेती का सामान घास पशु को ले जाने के लिए गांव के लोग यहां पर आते हैं। तो बांध की वजह से जो खनन, अवैध खनन जो हो रहा है, अवैध खनन की वजह से ये दुर्घटना। तो ये पूरी तरह से जो ये माना जाए कि ये जो है प्रशासन की लापरवाही है। अरे, प्रशासन अवैध खनन करा रहा है तो फिर प्रशासन नहीं देखना चाहिए खनन कहाँ होना चाहिए? घटनास्थल पर पहुंचे उप जिलाधिकारी गिन्नौर ओमवीर सिंह ने मृतक के परिवारजनों को तसल्ली बनाते हुए आश्वासन दिया, जबकि पूरे क्षेत्र में घटना की जानकारी से हड़कंप मच गया। गंभीर लोगों को संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। संभल से ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज़।
देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज़, अपराध के खिलाफ जंग।